नाराजगी भी बहुत मिली, नफरत भी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन अब वो नाराजगी और नफरत भी एक तरह का प्यार ही है, क्योंकि अगर वो लोग मुझे देख के, अगर वनराज शाह को देख के नाराज नहीं होते, तो शायद मुझे लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत खबर, बिल्कुल अच्छा, गलत खबर है। हाँ, टोटल फॉल्स। मैं तो कई बार तो मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात का दुख हो जाता है इस सवाल का, और मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे देख के आपको लगता है कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा? 4 साल से कोई चीज करते आ रहे हैं और 4 साल से एक चीज से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी डिसीजन सडन नहीं हो सकता है। हमेशा उसके पीछे काफी सोच विचार मंथन जो है वो लगता है। उसके बाद मैंने अपनी मूछें निकाल दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना एक अलग कलर उसमें ऐड किया, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा फन एलिमेंट उसमें लेके आया, थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर दिया। क्योंकि लीप से पहले वनराज और अनुपमा के सबसे छोटे बेटे की डेथ दिखाई थी, तो मैंने पिछले 4 साल में आई थिंक उस कैरेक्टर को इतना कुछ दे दिया कि अब मेरे पास देने के लिए शायद उतना कुछ रह नहीं गया है। और मुझे लगा कि इससे पहले कि कैरेक्टर बोरिंग होने लगे या होना शुरू हो जाए और ऑडियंस बोले कि यार अब थोड़ा सा ये बोर हो रहा है मामला, और मेरे पास कुछ नया ना हो ऑफर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ये स्टेप लूं, और इसको ऐसे समय पे मैं इसे अलविदा कहूं जब ये अच्छा चल रहा है, ये लोगों को पसंद आ रहा है। तो उसने बोला कि भाई मैं इधर बैठा हूँ, राजन मेरा बहुत पुराना मित्र है, 25 साल पुराना दोस्त है वो। अच्छा, जब राजन एज ए डायरेक्टर शुरू कर रहा था, तब आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग, और उसके साथ मैंने काम किया था जो भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, महेश भट्ट। बट हैविंग सेड दैट, वनराज शाह एज अ कैरेक्टर वाज नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ ग्रेट गाय एक्चुअली। एग्जैक्टली, उसकी हाँ दो एक शॉर्ट कमिंग्स थी जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहा, बट ही वाज अ ग्रेट गाय। उसके जीवन में कुछ भी उसने गलत नहीं किया कभी। नमस्कार, आप देख रहे हो भारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूँ आपके साथ कनिका सिंह, और हमारे साथ है सुधांशु पांडे, जिनकी आजकल हर तरफ बहुत चर्चा है। ऑफ कोर्स मैं ये भी बता दूं कि हमारे अनुपमा की वनराज शाह, आई थिंक आपको इस नाम से ज्यादा मुझे लगता है आप जानते हैं लोग सुधांशु, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी कृपा रही है भगवान की, कि मैंने लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो लोगों के तन मन से आत्मा से जुड़ गया पिछले 4 सालों में, जी, और उसको बहुत सारा भर भर के प्यार मिला, और नाराजगी भी बहुत मिली, नफरत भी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन अब वो नाराजगी और नफरत भी एक तरह का प्यार ही है, क्योंकि अगर वो लोग मुझे देख के, अगर वनराज शाह को देख के नाराज नहीं होते, तो शायद मुझे लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली, तो 100% मुझे लगता है कि इट हैज बीन अ ब्लेसिंग टू हैव प्लेड अ कैरेक्टर व्हिच हैज बिकम दैट आइकॉनिक अक्रॉस द ग्लोब। राइट। तो सुधांशु, सबसे पहले वैसे तो सबको आप बता चुके, पहले ही हर तरफ चीजें चल रही है कि अचानक से शो छोड़ा है, तो ये अचानक से हुआ है या फिर बहुत पहले से माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मतलब क्या है, ये सच में अचानक से हुआ है या फिर पहले से आप सोच रहे थे कि नहीं, अब बस हो गया, अब निकलते हैं? देखिए, कोई भी डिसीजन आदमी जब लेता है ना, और खास करके ऐसी सिचुएशंस में जहां आप 4 साल से कोई चीज करते आ रहे हैं और 4 साल से एक चीज से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी डिसीजन सडन नहीं हो सकता है। हमेशा उसके पीछे काफी सोच विचार मंथन जो है वो लगता है। और मेरे साथ भी वही था कि मैं पिछले 4 साल से एक किरदार निभा रहा हूँ, एक शो का हिस्सा बना हुआ हूँ, जो ऑब्वियसली इतना आइकॉनिक शो है कि दुनिया भर में लोग देखते हैं उसे, और वो एक तरह का मुझे लगता है कि एक एक कल्ट बन गया है हमारा शो। वो इतना बिल्कुल इतना ज्यादा इतना इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी इतनी गहरी उसकी पहुंच लोगों के दिल तक गई है कि वो एक कल्ट बन गया। तो ऐसी चीज से जुड़ना आ, 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 वैसे भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज होती है जुड़े रहना। तो अगर आपने कभी ऐसा कोई स्टेप लिया कि आप उससे अलग होना चाहते हैं, तो उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारी सोच विचार और मंथन लगता ही है। तो मैंने भी बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। 4 साल मैंने वनराज को प्ले किया है, दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव गिवन टू एनी कैरेक्टर इन माई लाइफ।
क्योंकि 4 साल एक किरदार निभाना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी और जी मैंने हालांकि मेरा मेरा जो कैरेक्टर है था वनराज, वो ऑथर बैक नहीं था, क्योंकि वो एक खुला मैदान जैसा था मेरे लिए। उसको मतलब मैंने इस तरह से निभाया कि वो कब क्या कर जाएगा ये लोगों को नहीं पता रहता था और बहुत अनप्रडिक्टेबल रहता था। तो मैंने उसको प्ले इस तरह से किया कि लोग थोड़े से एजी हो जाते थे जब भी वो आता था। उनको लगता था कि यार अब कुछ करेगा, या कुछ करेगा, या कुछ कर जाएगा। हाँ। तो मैंने उसको हमेशा इस तरह से मेंटेन किया। उसको मैंने अपना खून पसीना दिया है, पूरी शिद्दत से उसको मैंने कैरेक्टर को प्ले किया। कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जिससे वो कैरेक्टर और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया लोगों के दिलों में, दिमाग में। और फिर मैंने उसके बाद लीप हुई 5 साल की, तो 5 साल के बाद मैंने उसमें लीप के बाद मैंने अपनी मूछें निकाल दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना एक अलग कलर उसमें ऐड किया, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा फन एलिमेंट उसमें लेके आया, थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर दिया। क्योंकि लीप से पहले वनराज और अनुपमा के सबसे छोटे बेटे की डेथ दिखाई थी, तो जी कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जीवन में किसी के, तो वो उसको हमेशा के लिए ऑल्टर कर देता है। तो मैंने उस चीज का, उस मौके का मैंने फायदा उठाया, और मैंने उस चीज को उस कैरेक्टर में मैंने ऐड कर दिया कि वनराज थोड़ा सा ऑल्टर हो गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है। शायद उसके अंदर बहुत दुख है, लेकिन वो अब थोड़ा सा फन एलिमेंट आ गया उसकी लाइफ में, वो वैसे ही जीना चाहता है। और उसके अंदर उतनी ही दृढ़ता आ गई है, उतना ही स्ट्रांग हो गया है, उतना ही स्ट्रांग बिजनेस माइंडेड हो गया है, उतना ही क्लियर हो गया है, और बहुत ज्यादा शार्प हो गया है, बहुत उसमें ह्यूमर आ गया है। तो मैंने पिछले 4 साल में आई थिंक उस कैरेक्टर को इतना कुछ दे दिया कि अब मेरे पास देने के लिए शायद उतना कुछ रह नहीं गया है। और मुझे लगा कि इससे पहले कि कैरेक्टर बोरिंग होने लगे या होना शुरू हो जाए और ऑडियंस बोले कि यार अब थोड़ा सा ये बोर हो रहा है मामला, और मेरे पास कुछ नया ना हो ऑफर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ये स्टेप लूं और इसको ऐसे समय पे मैं इसे अलविदा कहूं जब ये अच्छा चल रहा है, ये लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसलिए ये निश्चय मैंने किया कि अब थोड़ा सा इससे अलग होने का समय आ गया, और अब मैं अब दूसरे किरदार भी निभाना चाहता हूँ लाइफ में। एक एक किरदार 4 साल निभाया, बहुत बड़ी बात है, और मेरा पहला डेली शो था, पहला टेलीविजन डेली शो था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं 4 साल उससे जुड़ा रहा, और अब मैं बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहता सुधांशु एक चीज और होगी, जैसे कैरेक्टर की बात आप क्या कर रहे थे, तो जब ये कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ था 4 साल पहले, तो आपको जाहिर है सब कुछ बताया गया होगा इस कैरेक्टर के बारे में, और शुरू से ही इसको थोड़ा नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया गया है, पूरा पॉजिटिव नहीं था हूँ। कभी भी। तो तब क्या आया था कि ऑडियंस कैसे लेगी, या पहले तो खैर ये भी नहीं पता था कि ये इतना टॉप शो हो जाएगा, और ये 4 साल से मुझे लगता है ये टीआरपी पे 1 ही है, अभी तक इसकी रेटिंग जी नीचे नहीं आई है शायद। हाँ, जी तो क्या लगा था कि ऑडियंस कैसे, लोग कैसे लेंगे इसको, क्योंकि कैरेक्टर तो नेगेटिव है, वेदर इट्स लीड, तो क्या 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 सोचा था आपने, आपने इस चीज को कैसे पोर्ट्रे करने का डिसीजन लिया था? देखिए, हाँ, नाउ आई कैन सी यू, एक्चुअली आई पुट ऑन माय रीडिंग ग्लासेस। तो बेसिकली क्या है कि राजन से मेरी जब राजन ने मुझे जब पहली बार फोन किया था, तो मैं एक ओटीटी शो शूट कर रहा था काठमांडू में, और उसका मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया, बिकॉज ऑब्वियसली कुन गेट थ्रू माय नंबर देयर। तो उसने बोला कि भाई मैं इधर बैठा हूँ। राजन मेरा बहुत पुराना मित्र है, 25 साल पुराना दोस्त है वो। जब राजन एज अ डायरेक्टर शुरू कर रहा था, तब आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग, और उसके साथ मैंने काम किया था जो भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, महेश भट्ट, और एक बहुत ही सुंदर सी हमने एक शॉर्ट फिल्म तो नहीं, एक प्रॉपर वो जो फिल्म फॉर्मेट में टेलीविजन के लिए बनता था उस वक्त, रिश्ते करके, तो और स्टार बेस्ट सेलर्स, तो उनके लिए हमने किया था। फिर राजन ने एक पायलट बनाया था, उसका भी हीरो में था। तो बहुत कुछ किया मैंने उस वक्त राजन के साथ, बट उसके बाद फिर 2 डेकेड के बाद मैंने अब जाके राजन के साथ काम किया, जब वो बड़ा प्रोड्यूसर हो चुका है। और राजन ने मुझे जब अप्रोच किया था, तो मुझे यही बोला था कि भाई देर इज समथिंग आई एम पिचिंग टू द चैनल, बट अगर तू हाँ बोलेगा तभी मैं आगे बात करूंगा। तो बोला क्योंकि कैरेक्टर ये है,
यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, और इट्स अ स्टोरी ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द थर्ड वूमन, सेकेंड वूमन, एंड इट विल हैव अ नेगेटिव, इट विल हैव अ ग्रे शेड टू इट. और ये पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे शेड वाला होगा इंडियन टेलीविजन पे, कभी किसी ने ऐसी कहानी नहीं देखी. और मेरे दिमाग में तेरे अलावा और कोई आ ही नहीं रहा है टू प्ले दिस कैरेक्टर. तो ये शुरुआत वहां से हुई थी इस चीज की, तब और कोई भी पिक्चर में नहीं था. उसके बाद फिर जब सब फाइनलाइज हो गया मेरे और उसके बीच में, तो जाके फिर लड़कियों के जो जो मेरे ऑपोजिट होनी थी उनके ऑडिशन शुरू हुए थे. बहुत समय के बाद फिर रूपाली फाइनल हुई थी. और उस वक्त ही मुझे जब उसने बताया था कि ये ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है, तभी मुझे वो क्लिक हुआ था. बिकॉज अगर मैं टेलीविजन करता तो मैं कुछ ऐसा करता जो बिल्कुल ही अलग होगा दुनिया से. हाँ और वही वही चीज मैंने की. टुडे यू नो इट्स आई थिंक गॉन डाउन हिस्ट्री के अनुपमा जैसा शो बना. उसमें एक वनराज जैसा कैरेक्टर था जो टेलीविजन पे आपको नहीं देखने को मिलते हैं ऐसे कैरेक्टर. बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया, तराशा हुआ. और उसमें जो मैंने अपना जो भी मेरा मादा था उसमें एडिशंस किए एज टू प्ले दैट कैरेक्टर, टू परफॉर्म इट, टू एग्जीक्यूट इट. तो वो महाकाल की कृपा से बहुत चल गया, बहुत फेमस हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत लोगों के दिलों से जुड़ गया. और दिस इज व्हाई आई थिंक इट हैज बिकम आइकॉनिक एज इट हैज टुडे. और रांशु, ये तो शो का हो गया, शो की बात हो गई। सेट से हम आपके बहुत सारे रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे वायरल होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, बच्चों के साथ आप खेल रहे थे, और वो भी एक रील थी जो बहुत ज्यादा मेरे फीड पे आई, मैंने वो देखा। प्लस आप को एक्टर्स के साथ ही बहुत सारे रील्स बनाते हैं, फनी और डांस वाले। तो बॉन्डिंग कैसी है वहां पे को एक्ट्रेस के साथ, और किसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे बॉन्ड है, जिनको लगता है कि आप हमेशा आगे लेके जाएंगे और बेस्ट रहने वाला है वो हमेशा? मेरी बॉन्डिंग एक्चुअली ज्यादातर लोगों से बहुत अच्छी थी, क्योंकि आई एम मोस्टली अ वेरी वेरी इजी गोइंग पर्सन. आई लव टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अराउंड मी. तो पीपल आर मोस्टली वेरी वेरी कंफर्टेबल अराउंड मी. तो अमूमन ऐसा होता था कि सब लोग आके मेरे पास ही बैठते थे और हम लोग बहुत मजे करते थे, बहुत हंसी मजाक होता था. और मेरी थोड़ी मस्ती मजाक करने की आदत भी है सेट पे, तो बहुत ज्यादा मस्ती मजाक भी होता था, बहुत हंसी ठट्टा भी होता था. तो उसमें पाखी है, डिम्पी है, गौरव शर्मा जो तोशु प्ले करते हैं वो, बापूजी, ये सभी लोग, इनके साथ सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी. और रूपाली के साथ तो ऑब्वियसली शुरू से ही रही है, तो हम लोग का बहुत हंसी मजाक होता था. तो आई थिंक भगवान करे इसी तरह से बॉन्ड हमारा बना रहे, आगे भी हम लोग मिलते रहे और ये रिश्ता आगे चलता रहे. क्योंकि जी रिश्ते बनाने में बहुत वक्त जाता है, लेकिन रिश्ते तोड़ने में समय नहीं बिल्कुल। लगता. तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे डर लगता था, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा उस कैरेक्टर से, क्योंकि वो बहुत सीरियस कैरेक्टर था आपका। और मैं बता दूँ, वैसे पर्सनल थोड़ा सा है, मेरी मेरी फैमिली में सब लोग बहुत देखते हैं आपका शो, मेरी मम्मी स्पेशली। आई थिंक आपको हर दूसरा इंसान ये बोलता होगा, मुझे लगता है। जी जी मेरे जी मम्मी पापा, मेरे पापा जो कि डेली सोप नहीं देखते हैं, वो बैठ के देखते देखते हैं आपका शो, जब भी वो घर पे होते हैं खाली टाइम में। तो उनका भी, उनका हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट चलता रहता है, जब भी आप आते हो टीवी पे, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी चलती रहती है आपको लेके। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब भी मिलना होगा या जब भी बातचीत होगी, जरूर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना। तो आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू कि आप रियल लाइफ में, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लग रहा जितनी मैंने अब तक बात की है, कि आप रियल लाइफ में वनराज शाह से कुछ भी आपका मिलता जुलता है, या फिर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर हो रियल लाइफ में? आपको जो लगा वो सही लगा, क्योंकि जब एक्टर कोई भी कोई किरदार निभाता है ऑन स्क्रीन, तो वो अगर आपके रियल लाइफ जैसा है तो फिर तो मुझे लगता है कि आप एज एन एक्टर कुछ खास है नहीं. बिकॉज अगर आप में ये मादा मादा नहीं है एक कलाकार के रूप में कि आप एक किरदार को पेपर पे जो लिख के आता है उसको इतना जीवंत कर दें, जी इतना अलाइव कर दें, इतना रियलिस्टिक कर दें कि लोग हैरान हो जाएं उसको देख के, तो मुझे लगता है तो फिर क्या फायदा है किसी भी किरदार को प्ले करने का.
यू हैव टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड ब्रिंग देम टू लाइफ इन सच अ वे दैट पीपल आर इम्पैक्टेड विद इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो करने में काफी सफल हुआ. तो इतना सक्षम तो हर कलाकार को होना चाहिए मुझे लगता है. और मैं रियल लाइफ में उससे बहुत 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 परे हूँ. और द ओनली वन क्वालिटी दैट इज वेरी सिमिलर टू वनराज हाँ इज दैट ही वॉज ऑल्सो अ फैमिली मैन, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट हिज फैमिली एंड सो एम आई. सो दैट इज वन सिमिलैरिटी दैट आई हैव. बट हैविंग सेड दैट, वनराज शाह एज अ कैरेक्टर वॉज नॉट अ बैड ह्यूमन बींग, ही वॉज अ ग्रेट गाय एक्चुअली. एग्जैक्टली उसकी हाँ दो एक शॉर्ट कमिंग्स थी जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहा, बट ही वॉज अ ग्रेट गाय. उसके जीवन में कुछ भी उसने गलत नहीं किया कभी. अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो हमने नमस्ते अमेरिका करके एक वेब सीरीज भी की थी हॉटस्टार के लिए, जिसमें वनराज और अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी थी. तो जी उसमें कुछ फ्लैशबैक्स में दिखाया गया था कि ही वॉज इन लव विद अ गर्ल इन द कॉलेज एंड देन दैट गर्ल यू नो डिचेज हिम एंड शी मैरीज सम रिच गाय एंड शी गोज अवे, राइट. एंड वनराज वॉज रियली हार्ट ब्रोकन. और उसके बाद बापूजी ने जिससे उसको शादी करवाई उसने कर ली बिना कुछ देखे समझे कुछ भी. तो वो उसने मेरे ख्याल से एक टूटे दिल और ध्वस्त मानसिक हालत में हाँ कर दी. और उसके बाद शादी के बाद फिर वो ऑब्वियसली उनके बच्चे हो गए, ये हो गया वो गया. आपके कैरेक्टर से ही जोड़ के एक सवाल रहेगा कि एक वर्ड है फैन एनकाउंटर, तो कभी ऐसा हुआ है कभी बाहर घर से गए हो और कुछ ऐसा अजीब सा, मतलब कुछ आपको याद हो कि कभी कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई सामने से आया हो, उसने कभी कैरेक्टर को लेके या तो कभी हावी हुआ हो या तो कुछ कॉम्प्लीमेंट करा हो पब्लिकली, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी रियल लाइफ में? कभी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. नहीं हुआ. इनफैक्ट सरप्राइजिंगली ऑल दैट एंगर दैट केम माय वे ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम, एवरी टाइम आई हैड फैन एनकाउंटर आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया व्हिच इज रियल लाइफ, व्हिच इज मे बी एट एन एयरपोर्ट और एनीवेयर आउटसाइड और आउटसाइड कंट्री और वेर एवर, इट हैज बीन ऑलवेज इनक्रेडिबल. बिकॉज दे ऑल से कि आप अनुपमा को बहुत परेशान करते हैं, बट आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. तो हमेशा प्यार बहुत मिला मुझे. जब भी मैं लाइव लोगों से मिला हूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला ऑडियंस. हाँ. और सुधांशु, एक और खबर चर्चे में आ रही है, सुनाई दे रहा है हर तरफ, कि अनुपमा छोड़ने के पीछे का रीजन भी हो सकता है, और या तो ये भी कह सकते हैं कि आगे का जो स्टेप है कि आप शायद बिग बॉस में जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? मतलब बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल अच्छा, गलत खबर है. टोटल फॉल्स. हाँ, मैं तो कई बार तो मैं थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हो जाता है इस सवाल का. और मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे देख के आपको लगता है कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा? ये मतलब हाँ, बात तो सही नहीं, है. आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, बट बिग बॉस इज नॉट अ शो मेंट फॉर एन एक्टर ऑफ माय सीनियोरिटी एंड माय स्टैचर. आई जी डोंट थिंक इट इज मेड फॉर पीपल लाइक अस. इट इज हाँ डेफिनेटली वन डे आई एम गुड एट होस्टिंग. तो अगर कभी मुझे होस्टिंग के लिए ऑफर हुआ तो डेफिनेटली आई विल होस्ट इट, बट नॉट एज अ पार्टिसिपेंट. इट्स नॉट मेंट, इट्स मेंट फॉर पीपल हु वॉन्ट टू यू नो डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली इन देयर लाइफ, नॉट 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 पीपल लाइक मी. तो सुधांशु, अभी आगे कुछ अभी डिसाइड किया है, कुछ आने वाला है या किस तरह का कुछ हो सकता है फिर से कमबैक, या मतलब कुछ भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, ऐसा कुछ है अभी? There is a lot happening. There is a lot happening in very near future. You will get to know about it also. और जब वो चीज थोड़ी सी बाहर आ जाएगी तब मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. और अभी फिलहाल बैंड ऑफ बॉयज का भी कमबैक हुआ है, तो आई हैव रीयूनाइटेड विद द बैंड. हमारा एल्बम रिलीज हो गया है, पहला वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है. पहला सॉन्ग जो हमारा जो वीडियो है, पीपल आर लविंग इट, गोरी अगेन नाम है उसका, तो आप लोग भी सुनिएगा जरूर. जी गोरी अगेन यूट्यूब पे सुनिएगा. और हमारा अभी उसके एक के बाद एक और दो वीडियोस आने वाले हैं. सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंसेस, बिकॉज हमारी लॉयल ऑडियंस थी बैंड ऑफ बॉयज की. बहुत ज्यादा हमारे गाने पॉपुलर रहे हैं, आज तक लोग उन पे रील्स बना के भेजते आ रहे हैं. तो यू नो व्हेन वी अनाउंस दैट वी आर कमिंग बैक, तो बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत ही वार्म वेलकम मिला है. और अभी मुझे लग रहा है उस दिशा में और भी बहुत कुछ होने वाला सुधांशु, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि है. आपका भी टाइम में समझ रही हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन हाँ जी, होगा रूपाली गांगुली के साथ
आपके रील्स भी बनते थे, बॉन्डिंग भी है। शो छोड़ने के बाद रूपाली से आपकी कोई बातचीत हुई है, या लास्ट बात उन्होंने आपको कैसे परसों ही किया? मेरी बातचीत हो रही थी, परसों ही मेरी बातचीत हो रही थी जी उसके साथ इंस्टाग्राम पे, और वो कुछ मैसेजेस वगैरह भेज रही थी, तो हम लोग की ऐसी बातचीत चल रही थी, थोड़ा हाँ नोक नोक झोंक चलती रहती है उसकी मेरी, तो वो तो वी आर डेफिनेटली इन टच एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग नाउ. 4 years इज अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन कैमराडरी दैट वी शेयर, एंड यू नो, तो दैट विल ऑलवेज स्टे.